न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दोपहर के 2 बज गए हैं और वक्त है दो बड़ी खबरों का। आपको दोनों बड़ी खबर दिखाएंगे कि आखिरकार दो बड़ी खबरें कौन सी हैं। ये तस्वीरें, पहली खबर है चीन और अमेरिका के तनाव को लेकर। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर के चीन भड़का हुआ है। वो लगातार अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है और इसी के साथ उसने ताइवान की सीमा के पास समुद्री इलाके में अपनी सेना को युद्धाभ्यास के लिए उतार भी दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें खबर महाराष्ट्र को लेकर के है, जहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर किसका हक है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये दो बड़ी खबर जिसपे 2 बजे में रहेगी हमारी नजर। ताइवान को लेकर के रार मची हुई है, इसको लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें। ताइवान को लेकर के अमेरिका चीन का तनाव बढ़ गया है। ताइवान के पास सैन्य अभ्यास चीन करना शुरू कर दिया। चीन ने ताइवान के पास 6 जगह सैन्य अभ्यास करेगी। चीन कल से 7 अगस्त तक यह सैन्य अभ्यास होगा। ताइवान सीमा के पास चीन के लड़ाकू विमान गरजे हैं। जिस तरीके से आज ताइवान दौरे पर यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची हुई हैं, उसको लेकर के चीन की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और ऐसे में चीन ने फाइटर प्लेन भी उतार दिए हैं और कल से 7 अगस्त तक यहां पर सैन्य अभ्यास किया जाएगा, वॉर ड्रिल की जाएगी। ताइवान को लेकर के दो सुपर पावर देश भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, नैन्सी पेलोसी पहुंची हुई है। नैन्सी पेलोसी का साफ तौर पर कहना है, बिना नाम लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ताइवान का हम समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को सीधे तौर पर चीन ने आग दिखाना शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि इस तरीके का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब कल से सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ताइवान सीमा के पास चीन के लड़ाकू विमानों को भी गरजते हुए देखा गया है। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से यूएस स्पीकर आज यहाँ पर पहुंची हुई थी, दौरे पर पहुंची हुई थी, मुलाकात भी करती हैं ताइवान के राष्ट्रपति से, लेकिन चीन जो है वो खुलकर आग दिखा रहा है अमेरिका को कि हम इस तरीके का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार यहाँ चीन को दिक्कत क्या है, अमेरिका अगर या अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचता है ताइवान के दौरे पर? आपका जो सवाल है कि चीन को आखिर दिक्कत क्या है, ये अच्छा है। चीन कहता है, ये है अमेरिका के जब नंबर 3 रैंकिंग पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर जाते हैं, तो जो एक वन चाइना पॉलिसी है जिसको कि यूएसए भी मानता है कि चीन एक ही चीन है, दोनों से भागे, और जो पीआरसी है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो उसने जो है नैन्सी पेलोसी का दौरा वो उस दावे को दिखलाता है और ये इसलिए चीन को इसको एक पॉलिटिकल नुकसान पहुंचता है, चैलेंज होता है ये। लेकिन दरअसल सही बात तो ये है कि अगर हम मान भी लें कि ताइवान चीन का पार्ट है या एक ही चीन है, तो अगर नैन्सी पेलोसी वहां पर जाती हैं तो इससे यूएसए की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। बोल चुके हैं जो बाइडेन की वो एक चाइना पॉलिसी को मानते हैं, तो लेकिन दिक्कत ये भी शी जिनपिंग उनका ये है कि अगर चीन के दावे को खारिज कर दिया गया या जो चीन अभी क्लेम कर रहा है नहीं किया गया, तो उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि है उसको नुकसान पहुंचता है। तो दिक्कत जो शी जिनपिंग की जो छवि है, जो एक इमेज है, उसकी दिक्कत आ रही है। सर देखिए, यहाँ पर अब वॉर ड्रिल भी करा रहा है चीन और दूसरी तरफ रूस भी सीधे तौर पर यह कह रहा है कि वो चीन के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका से जब यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची हुई हैं, तो वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हम ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। और अब खबरें ये आ रही है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी की जा रही है, जहां अमेरिका कह रहा है हम ताइवान के साथ खड़े हुए हैं, तो रूस कह रहा है हम चाइना के साथ खड़े हुए हैं। वो तो एक हाइपर हो गया है, ऐसी कोई रोबत नहीं आएगी जी। अगर रूस कह रहा है वो चीन के साथ है, चीन कह रहा है, चीन तो करेगा ही क्योंकि उसको अपना दिखाना है कि वो कितना नाराज है इस चीज से। लेकिन ना तो यूएसए युद्ध चाहता है ना चीन अभी युद्ध करने की हालत में है, तो जो होगा वो बेसिकली पोस्चरिंग होगा, एक तरह से दावे किए जाएंगे, धमकाया जाएगा, तनाव बढ़ेगा, तनाव आगे अभी और भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि तनाव इतना बढ़ जाए कि विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। वो नौबत आने से पहले ही वो दोनों देश धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। सुरेश जी, इन सब के बीच में एक बार बेहद अहम हो जाती है कि ताइवान के लिए आखिरकार यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। 25 साल बाद कोई गया है,
ये एक तरह से जो ताइवान का क्लेम है कि हम डेमोक्रेसी है, हमारे को यूएस की सिक्योरिटी है, यूएस स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और कि वो एक सही मायने में चीन के हकदार है, तो वो दावे जो है उसको काफी जोर पड़ता है, काफी उसके ऊपर एक तरह से स्ट्रेंथ मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये अभी के लिए टेम्पररी ब्लिप होता है। आगे क्या होता है, आगे तो जो दोनों देश हैं, दोनों चीन और ताइवान दोनों मिलकर के बात को सुलझाएंगे, यूएसए का भी इसमें रोल रहेगा, वो बहुत आगे की बात है। मेरे ख्याल है अभी ऐसा कुछ बस खाली एक पॉलिटिकल जो है स्ट्रेंथ मिल जाती है इसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। It is such a high honor to receive the Order of the Propitious Clouds with special grand cordon from you. We are so proud of your leadership, a woman president in one of the freest societies in the world. It's great immense admiration for your leadership and great personal humility that I accept this award. Humility because I accept it not for me only, but for our members of Congress who are so instrumental in all that you said about our accomplishments together. Democrats and Republicans, House and Senate, both sides of the aisle, united in our support for Taiwan. चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान दौरे पर यूएस स्पीकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका, ताइवान और अमेरिका की दोस्ती बेहतरीन है, हमें हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैन्सी पेलोसी का यह बयान है, उनका कहना है कि अभी कई और अमेरिकी नेता ताइवान आएंगे और हर स्तर पर ताइवान का साथ देंगे, ताइवान से किए हुए वादों से पीछे नहीं हटेंगे, सहयोग और समर्थन के लिए ताइवान का आभार भी उन्होंने जताया है, ताइवान के समर्थन में पूरा अमेरिका एकजुट है, यह भी नैन्सी पेलोसी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ताइवान का हमेशा साथ देंगे। तो देखिए नैन्सी पेलोसी माफ करिएगा, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो ताइवान के साथ खड़ी हुई है, अमेरिका भी ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। और अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि चीन और ताइवान के बीच आखिरकार विवाद क्या है और क्यों दुनिया के लिए यह अहमियत रखता है ताइवान। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित है और चीन सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है, जो वन चाइना पॉलिसी उसके तहत ही चीन सरकार ये कहती है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर चीन का जो गुस्सा है वो भड़का हुआ है। राष्ट्रपति जिनपिंग ताइवान और चीन के पुनः एकीकरण की वकालत करते रहे हैं, यही वजह है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का यहाँ पर वो सम्मान नहीं कर रहे, सीधे तौर पर मना कर रहे उनके आने को लेकर के। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ताइवान कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं, दरअसल 1644 में ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त ये हिस्सा था, लेकिन उसके बाद ये अलग हुआ 1895 में जब चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इस तरीके से खुद चीन ने ताइवान को अपने से अलग किया। लेकिन अब वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं, यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। एक तरफ 1895 में ताइवान को जापान को सौंप दिया जाता है, लेकिन अब ये विवाद भड़कता है। 1949 आता है, चीन में गृह युद्ध होता है, इसी पूरे मुद्दे को लेकर के ये बवाल होता है। कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी कुओमिंगतांग पार्टी को हरा दिया, यहीं से इसकी पूरी शुरुआत होती है। और हार के बाद कुओमिंगतांग पार्टी ताइवान पहुंची और वहां सरकार बना ली। तो इस तरीके से ताइवान जो है वो अलग नेशन बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, ताइवान पर कुओमिंगतांग की जीत हुई। कम्युनिस्टों का दावा था कि जीत उन्हें हासिल हुई तो ताइवान पर अधिकार भी उनका ही माना जाना चाहिए। साथ ही कुओमिंगतांग की दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं, दलील यहाँ पे दी उन्होंने कि चीन के कुछ ही हिस्सों में हम हारे हैं। कुओमिंगतांग ही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ताइवान पर अधिकार उनका है, ये साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया। इस तरीके से ये पूरा विवाद भड़का है और दुनिया के लिए आखिरकार ताइवान क्यों अहम है अब ये भी समझिए। फोन, लैपटॉप, घड़ी से लेकर के सब कुछ के पार्ट्स यहाँ से आते हैं। ताइवान की वन मेजर कंपनी दुनिया के आधे से अधिक चिप का उत्पादन करती है।
रहती है, जो चिप फोन में लगे होते हैं, कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, उसका उत्पादन ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए काफी अहम है, काफी मायने रखती है। यही वजह है कि चाइना नहीं चाहता कि कभी भी ताइवान उससे अलग हो। हालांकि हिस्सा अलग है, अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो इस उद्योग पर चीन की नजर रहेगी। चिप उद्योग पर नियंत्रण के बाद चीन की मनमानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से यहाँ पर चीन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं ताइवान पर रार, अमेरिका और चीन के बीच में सैनिक कितने हैं? 1,40,000, 2,00,000, माफ करिएगा, 23,00,000 और 33,000। तो इस तरीके से ये समझा रहे हम आपको कि आखिरकार जो सैनिकों की संख्या है तो वो कितनी है, क्योंकि अब इंटरनेट पर ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि दोनों के बीच में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में आपको समझना जरूरी कि आखिरकार किसके पास क्या है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो अमेरिका के पास 15,893 है और यहाँ 2,860 चीन के पास है। अमेरिका के पास टैंकों की संख्या 8,848 है, 2,860 जो टैंक है वो चीन के पास है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो चीन से कहीं मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5,550 है तो चीन के पास सिर्फ 350 है। बावजूद इसके चीन जो है आंखें तरेर रहा है अमेरिका को। सबमरीन की बात करते हैं, अमेरिका के पास 72 सबमरीन है तो चीन के पास 67 सबमरीन है। तो ये स्थिति है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो अमेरिका है और चीन है वो कौन मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, और ताइवान के साथ खड़े होने पर क्या चीन इतना भड़क जाएगा कि उसे अब इस तरीके से युद्ध का ऐलान करना पड़ेगा। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, महाराष्ट्र की ये बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वकील हरीश सालवे ने शिंदे गुट का पक्ष रखा है। शिवसेना के अंदर ही कई बदलाव हो चुके हैं, उन्होंने कहा है एक नेता को पार्टी नहीं मान सकते, शिंदे गुट का कहना है। शिंदे सरकार असंवैधानिक है, ये उद्धव गुट का कहना है। आज भी उद्धव शिवसेना के अध्यक्ष है, उद्धव गुट ये मानता है। मामले में कल फिर सुनवाई होगी, तो अब इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई और मामले में कल फिर से सुनवाई होने वाली है। दोनों ही गुट पहुंचे हुए हैं, एक तरफ शिंदे गुट है, दूसरी तरफ उद्धव गुट है, और दोनों ही कह रहे हैं कि शिवसेना उसकी है। अब तकरार यहां पर ये, और मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं, साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले हम आपसे अपडेट चाहेंगे, क्योंकि मामले में अब कल फिर से सुनवाई होनी है। आज क्या कुछ सुनवाई हुई है, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज एक लंबी बहस हुई और दोनों ही गुटों के तरफ से इस बहस के जो वकील थे इस बहस को वकीलों ने कोर्ट परिसर के अंदर किया। अब देखिए, पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचा था तो ये मामला जब पहुंचाया गया था तो शिवसेना के तरफ से, यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जब मामला सुप्रीम कोर्ट लेके आया गया तो ये कहा गया कि साहब, महाराष्ट्र की सरकार के अंदर जो विधायक हैं वो फरार चल रहे हैं, सरकार में और राज्य के अंदर अस्थिरता का माहौल है और ऐसे में सुनवाई होनी चाहिए और विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। उसके बाद घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट सुनता है तो 10 दिन का मोहलत सुप्रीम कोर्ट लेता। आपको भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों का मोहलत दिया था। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात का भी जिक्र किया सुनवाई के दौरान, उन्होंने ये कहा कि 10 दिनों की मोहलत इस समय उस दौरान जब सुनवाई हो रही थी तो दी गई थी, इसी 10 दिनों में आप लोगों ने सरकार बना लिया, शपथ ग्रहण हो गया और मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरीके का घटनाक्रम लगातार चलता रहा। लेकिन आज की सुनवाई क्यों अहम है ये आपको मैं बता दूं, आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी इन सब बातों के बीच एकनाथ शिंदे के जो वकील है हरीश सालवे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि अब तो मामला विधायकों की अयोग्यता का नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुमत है और हमारी सरकार महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, अब मामला पार्टी के अंदर अधिकार को लेकर के है। क्योंकि अगर हम शिवसेना की बात करें तो किसी नेता को लेकर के कोई पार्टी नहीं घोषित कर दी जाती कि इस पार्टी का ये नेता, पार्टी इसकी हो जाती है, जिसके पास संख्या है उसके पास, उसको ये पावर होनी चाहिए।
तो अब जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, शिंदे गुट ये चाहता है कि पूरी तरीके से जो शिंदे हैं वो शिवसेना के फेस बन जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे का एक जो फेस है शिवसेना को लेकर के वो फेस समाप्त हो जाए, पार्टी पर पूरा अधिकार एकनाथ शिंदे का हो जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में वो सरकार चला रहे हैं। पर सुनवाई होगी तब भी नजर न्यूज इंडिया की जरूर रहेगी। शुभम का भी रुख करेंगे गौरव। शुभम, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, महाराष्ट्र की कमान भी अपने हाथ में ले ली, लेकिन अब ये चाहत है कि शिवसेना भी उनकी हो जाए, चाहत क्या पूरी होगी? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना है, जाना है तो चुनाव आयोग के पास जाइए, वो आखिरकार डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि आखिरकार शिवसेना किसकी। अब लड़ाई पार्टी पर आई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिंदे गुट 21 जून के दिन पहले यहां से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, उनके साथ कई सारे विधायक गए, विधायक बनने के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, उसके बाद कई सारे सांसद उद्धव गुट का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। इसके बाद जब चुनाव चिन्ह है, जो धनुष बाण है, उसको लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, वहां पर अब ये 8 तारीख को जो फैसला आने वाला था, लेकिन उसके खिलाफ भी उद्धव ठाकरे वहां पर भी पहुंच गए कि भाई चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से डिसाइड करते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि भाई हमारे पास मेजोरिटी ज्यादा है, 2/3 विधायक जो है हमारे पास, क्योंकि 55-56 विधायक थे शिवसेना जब 2019 में चुनाव जीत के आए थे, 56 विधायक थे, उसमें से एक विधायक की मौत हो गई थी, इसमें से 40 से ज्यादा विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और 6 से 8 विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। ऐसे में शिंदे गुट का दावा यह है कि भाई शिवसेना तो हमारी है, बिल्कुल, क्योंकि शिंदे गुट ने सरकार बना ली है, और ऐसे में दावा उनका ये है कि शिवसेना भी उनकी है। बहुत शुक्रिया आपका भी गौरव और शुभम आपका भी। और अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर के, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भाग लेते ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना, यह उचित नहीं है। और हम भी आज चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बिना किसी को कटघरे में खड़ा करते हुए, बिकॉज ये एक अपील है, हम भी राजनीति नहीं चाहते। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा था 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराना है और इसके लिए सबका पावन हाथ लगे, और जैसे कि बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रनीति राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति है, यह तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा राष्ट्र का है, तिरंगा फहराना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, यह किसी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है, यह राष्ट्र की लाइन है, दिस इज द डिजायर ऑफ द नेशन। उसमें इस महायज्ञ में हम सब, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आहुति दे रही है, हम तो कांग्रेस से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे राजनीति छोड़िए, इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालिए ताकि देश एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। आज मैं कई नेताओं के बयान को सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी को भी सुन रहा था, वो सम्माननीय LOP हैं, बड़ी पार्टी के LOP हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पूछा कि फ्लैग कोड क्यों बदल दिया, अधीर जी को भी मैं जवाब देना चाहूंगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इन विषयों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, सोचिए जरा, आज से पहले इस प्रकार का प्रयास हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का एक पहल की जाए। स्वाभाविक है जब इतने बड़े रूप में पूरे देश में विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ हर हाथ में झंडा अपने घर के लिए होगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, तो कहीं ना कहीं फ्लैग कोड में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार के बड़े मुहिम को स्थान नहीं दिया जा सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है ताकि हर भारतीय बड़े गर्व के साथ तिरंगा को अपनाए और अपने घर पर तिरंगा फहराए। इंटेंशन इज टू स्प्रेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। दूसरा विषय, अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड पर ED अपनी चढ़ाई करे, रेड करे और हम झंडा फहराएं। मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड, भ्रष्टाचार, करप्शन, ED, उसके साथ नेशनल फ्लैग को जोड़ के देखना ये उचित नहीं होगा।
मैंने कहा फ्रॉम दिस हाई टेबल बीजेपी डज नॉट वॉन्ट टू पॉलिटिसाइज दिस इश्यू, वी डोंट वॉन्ट टू अटैक एनीवन, हम किसी को अटैक पॉलिटिकली इस विषय पे लेके नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सविनय निवेदन कि प्लीज अधिरंजन जी इसमें नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेके आने की हमें लगता है कोई आवश्यकता नहीं है, वी शुड ऑल रिफ्रेन, वी मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द इश्यू। सफीकुर रहमान बर्क भी पार्लियामेंट के गेट के पास ही, बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर वो बाइट दे रहे थे और कह रहे थे झंडा फहराना कोई प्रतीक नहीं होता है देशभक्ति का, उन्हें भी सम्मान। हम यहां समाजवादी पार्टी पे भी आक्रमण किए बगैर, देखिए बहुत सोच समझ करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने प्रतीक बनाए हैं, झंडा एक प्रतीक है, नेशनल एंथम एक प्रतीक है, नेशनल एंथम गाते समय खड़े होना एक प्रतीक है। भाव तो हृदय में होता है, वो तो दिल में होता है, मगर जब तक हम इन प्रतीकों की मान्यता नहीं रखे, अनटिल एंड अनलेस वी रेस्पेक्ट दिस सिंबोलिज्म, हाउ विल द कंट्री मूव टुगेदर एज वन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी हम सम्मान कैसे करें, उसका हम रेस्पेक्ट कैसे करें। इसलिए प्रतीक भी महत्वपूर्ण है और भाव भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को लेकर आगे चलना है। और सफीकुर रहमान बर्क जी कह रहे थे काम करना पड़ेगा, काम करने से ही देशभक्ति आगे बढ़ता है। बर्क साहब, चौधरी साहब, इस सरकार ने काम किया है, यह आपकी सरकार है, सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया है, पार्टी का विषय नहीं है, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरे विश्व में हमारा जो राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे देश की राजनीतिक सूझबूझ, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, उसके साथ हमारा सैन्य बल इसका प्रतीक था, इसका एक हमने देखा, उदाहरण देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मगर मिल करके क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं, यह भी तो देशभक्ति का काम है। कोरोना के समय दो देश में इंडिजिनस इंडियन मेड वैक्सीन, और उस वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति को तीन तीन डोज लगाने का काम, बर्क साहब, अधीरंजन चौधरी साहब, दिस इज नेशनलिज्म, ये देशभक्ति है। तिरंगा भी देशभक्ति है, वैक्सीन भी देशभक्ति है। आइए इस देशभक्ति में हम बीजेपी कांग्रेस इनको अलग अलग करके ना देखें, लेट्स बी इंडियन फॉर वंस। आई सी अ बीजेपी कार्यकर्ता, आई सी अ कांग्रेसमैन, आई सी अ बीएसपी कार्यकर्ता, आई सी अ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, बट वेयर इज द इंडियन? लेट्स बी इंडियन एंड लेट्स सेलिब्रेट इंडिया थ्रू आजादी का अमृत महोत्सव एंड हर घर तिरंगा अभियान। थैंक यू सो मच। कोई इसमें प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। तिरंगा यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संबित पात्रा सीधे तौर पर यहां निशाना साधते हुए नजर आए। विपक्ष पर आज तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रवाना किया था, और ऐसे में विपक्ष का कोई भी सांसद नेता यहां पर शामिल नहीं हुआ, जिसको लेकर के सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र का कार्यक्रम था।